हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं चेरी सोएस के बारे में। ऑफिशियली एंड्रॉइड 13 के साथ चेरी सोएस का जो 4.2 का जो बिल्ड है अवेलेबल हो गया है। एंड इस रॉम का जो हाइलाइटिंग फीचर्स थे पर रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 13 के साथ MIUI कैमरा एप्लीकेशन को ऐड किया गया है। पर जो MIUI कैमरा एप्लीकेशन के साथ सभी जो फीचर्स पर काम कर जाएगा, तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो ये जो बिल्डर्स तो रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 13 के साथ ऑफिशियल बिल्ड है। एंड्रॉइड 13 का जो स्टार्टर है ऐड किया गया है चेरी सोएस 4.2 का बिल्ड है। यहाँ पर 5 नवंबर का जो लेटेस्ट गोरी पैच बिल्ड है ऐड किया गया है 4.14 कर्नल के साथ एज बिल्ड है अवेलेबल है। एंड एज बिल्ड है दोस्तों इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है। सबसे पहले अगर बात करें पर MIUI कैमरा एप्लीकेशन के बारे में, तो यहाँ पर जो है एंड्रॉइड 13 के साथ रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर जो है MIUI कैमरा एप्लीकेशन काम कर जाएगा। अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है अल्ट्रावाइड लेंस पर काम कर रहा है, यहाँ पर जो है 2xp काम कर जाएगा, प्लस HDR मोड का ऑप्शन है, HDR ऑटो का ऑप्शन है, पर AI कैमरा का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर जो अलग अलग फिल्टर्स का ऑप्शन है। एंड इस तरह से जो सुपर माइक्रो मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड पर पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो ब्लर को सिलेक्ट कर सकते हो, AI कैमरा का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड सभी जो फीचर्स है अवेलेबल है। यहाँ पर नाइट मोड का ऑप्शन है, 64 मेगापिक्सल का ऑप्शन है, स्लो मोशन का ऑप्शन है, टाइम लैप्स का ऑप्शन है। इस तरह से सभी जो फीचर्स है ऐड किया गया है। पर शॉर्ट वीडियो का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। अगर बात करें जो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम कर रहा है, पर फिल्टर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, अलग अलग फिल्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो है 4K 30fps का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस सुपर माइक्रो मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर बात करें जो 4K 30fps के बारे में, तो पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ 4K 30fps का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो अल्ट्रा लेंस भी काम करते, काफी बढ़िया बात है। पर प्रोमोट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्रोमोट के ऊपर जो वाइट बैलेंस, फोकस, शटर, ISO, EV, मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। 64 मेगापिक्सल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर प्रोमोट के साथ जो पर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड इस तरह से इस ऑप्शन पर वाटर मोड का ऑप्शन है, स्मार्ट सजेशन का ऑप्शन है, ऑटो नाइट मोड का ऑप्शन है, पर पिक्चर क्वालिटी को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो पर इस चेरी सोएस 4.2 के साथ जो है पर MIUI का जो कैमरा एप्लीकेशन काम कर जाएगा, सभी जो ऑप्शन पर काम कर रहा है, काफी बढ़िया बात है। तो ये जो फीचर्स पर हाइलाइटिंग फीचर्स है, फाइनली रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ MIUI कैमरा भी काम कर जाएगा, पर जो है फ्रंट कैमरा भी काम कर रहा है, काफी बढ़िया बात है। अब जरूर से इस रॉम को ट्राई करके देखो MIUI कैमरा के लिए। नेक्स्ट जो फीचर्स है, जो हाइलाइटिंग फीचर्स है, पर जो फेस अनलॉक को ऐड किया गया है एंड्रॉइड 13 के साथ। फाइनली यहाँ पर जो फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। हमने यहाँ पर जो फेस अनलॉक को सिलेक्ट किया, देखते किस तरह से जो फेस अनलॉक काम करता है। यहाँ पर जो है फेस अनलॉक काफी फास्ट है, देख सकते हो, बहुत ही फास्ट हमारा जो डिवाइस है यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। तो पर फेस अनलॉक काम कर रहा है, तो पर फेस अनलॉक काम कर जाएगा। अगर बात करें पर फिंगरप्रिंट के बारे में, सिंपली टैप किया, ओपन हो गया, पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम कर जाएगा, बहुत ही फास्ट आपका जो डिवाइस है अनलॉक हो जाएगा इस रॉम के साथ। यहाँ पर फेस अनलॉक भी काम कर रहा है, प्लस जो फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम कर जाएगा। एंड अगर बात करें जो बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर जो है बैटरी के साथ जो है पर बैटरी हेल्थ इन्फो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। देख सकते हो पर जो है चेरी सोएस 4.2 के साथ बैटरी हेल्थ इन्फो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर बैटरी कैपेसिटी, प्लस जो है बैटरी चार्ज साइकिल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बैटरी टेम्परेचर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो पर जो है बैटरी हेल्थ का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड अगर बात करें जो लॉक स्क्रीन के बारे में, तो जो लॉक स्क्रीन के ऊपर जो यहाँ पर रीडिजाइन लॉक स्क्रीन बटन को ऐड किया गया है। तो जो लॉक स्क्रीन है, यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर जो बटन से कम्प्लीट रीडिजाइन हो गया है, कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन के ऊपर बटन देने को मिल जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस जो क्विक सेटिंग स्टाइल के ऊपर जो इंप्रूवमेंट देने को मिलेगा, यहाँ पर बैटरी स्टाइल को इम्प्रूव किया गया है। एंड पर इस रॉम को इंस्टॉल करने के टाइम जो है पर क्लीन फ्लैश करना होगा। एंड चेरी सोएस 4.2 को किस तरह से रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करना होगा, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। सिंपली रेडमी नोट 10 प्रो का जो प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके चेरी सोएस 4.2 का जो इंस्टॉलेशन वीडियो है, उसे आप चेकआउट करके देखो। नाउ यहाँ पर बात कर लेते हैं जो परफॉर्मेंस के बारे में। हमने यहाँ पर इस रॉम के साथ जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस को रन किया था, यहाँ पर जो है 3D Mark के साथ वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो है 1112 का स्कोर है। यहाँ पर जो रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ 3D Mark के साथ जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर 1112 का स्कोर देने को मिल गया है। अगर बात करें पर जो गिगबेंच 5 के साथ जो सिंगल कोर के साथ 564, मल्टी कोर के साथ जो 1631 का स्कोर है। यहाँ पर जो मल्टी कोर का जो स्कोर है रेडमी नोट 10 प्रो के हिसाब से काफी बढ़िया है, कुछ इस तरह से जो सिंगल कोर के साथ जो है काफी बढ़िया, प्लस मल्टी कोर के साथ भी काफी बढ़िया स्कोर देने को मिल गया है। अगर बात करें बच्चे सेफ्टी नेट के बारे में, बच्चे बाई डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स, विदाउट रूट,
सेप्टनेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट काम कर जगह से भी ऐड किया गया है। अगर बात करें जो सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए ये जो टेस्ट हमने रन किया था, मैक्स गया है 151, एवरेज है 149, मिनिमम है 140, या पर जो कोई भी सीपीयू थ्रॉटल देने को नहीं मिला है। मैक्स सीपीयू गया है 2.30 GHz तक, तो पर जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया है, पर जो सीपीयू थ्रॉटलिंग गीगबेंच 5 के साथ जो परफॉर्मेंस हमें देने को मिल रहा है काफी बढ़िया है। एंड डेफिनेटली इस रॉम के साथ आपको कोई भी लैग देने को नहीं मिलेगा, कोई भी हीटिंग इशू देने को नहीं मिलेगा रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर जो है अगर आप 60 हर्ट्ज के साथ यूज करोगे लगभग 7 आवर के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिल जाएगा, 6 आवर से 7 आवर के आसपास। एंड यहाँ पर जो है 120 हर्ट्ज के साथ लगभग 5 आवर से 6 आवर के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिलता है। पर जो है थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एंड ये पर थर्मल प्रोफाइल के साथ ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है, प्लस एडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है बढ़िया है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। एंड ये पर ढेर सारे ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर जो है गैशेस का ऑप्शन और सिस्टम अपडेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। आप सिंपली ओटी अपडेट को इंश्योर कर सकते हो, या पर जो है स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। नेक्स्ट ये पर जो है वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, वर्ल्टी वाईफाई भी काम कर जाएगा। ये पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर सिंपली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का हमने यहाँ पर जो एनेबल किया है, कुछ इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देने को मिलेगा। पर बैटरी परसेंटेज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो इस बिल्ड के साथ जो है वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल का यूआई है, पर वॉल्यूम पैनल के ऊपर जो परसेंटेज को ऐड किया गया है, प्लस लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। नया पर बात कर लेते हैं जो कस्टमाइजेशन फीचर्स के बारे में, यहाँ पर चेडी सीरीज के ऊपर इस भी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर सरस वर्क के ऊपर जो डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, यहाँ पर जो नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बैटरी आइकन स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर जो डेटा डिजेबल आइकन को ऐड किया गया है, सरस वर्क आइकन का ऑप्शन है, यहाँ पर वॉल्टी आइकन का ऑप्शन है, वो आईफाई, यहाँ पर वो आईफाई का जो आइकन है उसे कस्टमाइज कर सकते हो, प्लस 4G आइकन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, माइक कैमरा लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, ब्लूटूथ बैटरी सरस का ऑप्शन है, ब्राइटनेस कंट्रोल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। क्विक सेटिंग्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर इस बेल्ट के साथ क्विक सेटिंग्स के ऊपर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है क्विक सेटिंग्स ऊपर कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, यहाँ पर वर्टिकल लेआउट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। इस तरह से जो है क्विक सेटिंग्स के ऊपर अलग अलग ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। तो पर क्विक सेटिंग्स के ऊपर कस्टमाइजेशन ऑप्शन से, यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकन इसे आप डिसेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है यहाँ पर क्विक सेटिंग्स, क्विक पुल डाउन, प्लस क्विक सेटिंग्स के ऊपर ऑपेसिटी को भी आप चेंज कर सकते हो। इस तरह से बढ़ क्विक सेटिंग्स के ऊपर ब्लर को ऐड कर सकते हो, इसमें ऐड किया गया है। और थीम के ऊपर सेटिंग्स मेनू का जो लेआउट है आप चेंज कर सकते हो। हमने यहाँ पर जो ऑक्सीनोस 12 का जो सेटिंग्स मेनू का जो लेआउट है सिलेक्ट किया है, उसके बाद जो कुछ इस तरह से ऑक्सीनोस 12 का जो सेटिंग्स मेनू का जो लेआउट है देने को मिलेगा। तो अलग अलग सेटिंग्स मेनू का जो लेआउट है आप सिलेक्ट कर पाओगे, इसमें ऐड किया गया है। प्लस डार्क मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर जो कस्टम थीम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, क्विक सेटिंग्स पैनल का ऑप्शन है, आइकन पैक, एवर सिग्नल आइकन स्टाइल, वाईफाई आइकन स्टाइल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, बटन के ऊपर ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार का ऑप्शन है, सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन है। या पर जो वॉल्यूम पैनल को लेफ्ट साइड में शो कर सकते हो, पर वॉल्यूम स्टेप कस्टमाइजेशन ऑप्शन को ऐड किया गया है। एंड जो वॉल्यूम बटन के साथ डिवाइस को वेकअप कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। एनिमेशन के ऊपर पावर मेनू का जो एनिमेशन है ऐड किया गया है, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन को या पर जो है फिलहाल अवेलेबल नहीं है। एंड क्विक सेटिंग्स के ऊपर जो है एनिमेशन स्टाइल को ऐड किया गया है। लॉक स्क्रीन के ऊपर जो है लॉक स्क्रीन डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, या पर टॉगल टॉर्च लाइट व्हेन स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन, आप सिंपली पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके फ्लैश लाइट को एनेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। इस तरह से पर जो है या पर अगर आप जल्दी से फ्लैश लाइट को एनेबल करना चाहते हो, जो टॉगल टॉर्च का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एज लाइट का ऑप्शन है, हाइट पावर बटन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, हाइट सरस बार का ऑप्शन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शेड्यूल करने का ऑप्शन है, या पर जो चार्जिंग इन्फो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर रैपिड एनिमेशन को डिसेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इस तरह से इसमें जो ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ पर पावर मेनू के ऊपर जो एडवांस रिबूट का ऑप्शन है, पावर मेनू के ऊपर जो ऑपेसिटी उसे आप चेंज कर सकते हो, सिंपली पर जो है पावर मेनू के साथ रिकवरी बूट लोडर को बूट कर सकते हो, प्लस सिस्टम यूआई को रिबूट करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर इस तरह से सभी ऑप्शन अवेलेबल है इस बिल्ड के साथ। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन पर काम कर जाएगा। यहाँ पर जो है मॉडर्न यूआई को इम्प्रूव किया गया है इस बिल्ड के साथ। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन है, इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का ऑप्शन है, स्मार्ट पॉज, लाइव कैप्शन, एडेप्टिव साउंड का ऑप्शन है, प्लस पर जो है पार्ड अप वॉल्यूम कंट्रोल, क्लियर स्पीकर, एमआई का जो साउंड एनहांसर है ऐड किया गया है, हैप्टिक फीडबैक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा।
प्लस यहाँ पर इस वीडियो के साथ फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से काम करते हैं, प्राइवेसी लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर इस बिल्ड के साथ डिस्प्ले के साथ मैक्सिमम ब्राइटनेस, लो ब्राइटनेस ऊपर कोई भी इशू नहीं है। एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम करते हैं, डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम करता है, लाइट डिस्प्ले का ऑप्शन है, स्मूथ डिस्प्ले प्लस जो ब्लर का ऑप्शन है, डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, वेकअप एंड प्लग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अब जरूर से चेरी सोएस का जो बिल्ड है ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।